नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 25 अगस्त 2024 इंडिया करंट अफेयर्स का। इस सेशन के अंदर जितने महत्वपूर्ण पर्सन बने हैं इंडिया करंट अफेयर्स के, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही उन पर्सनों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं, उस पर भी जानकारी साझा करूंगा। आज के दिन का पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में किस राज्य में सुभद्रा योजना शुरू की गई है, तो आंसर हो जाएगा ओडिशा के अंदर। मुख्यमंत्री मोहन मांझी ने सरकार की बहुप्रतीक्षित सुभद्रा योजना के दिशा निर्देशों की घोषणा की है। मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार साथियों 21 से 60 वर्ष की आयु की जो महिलाएं हैं वो सुभद्रा सहायता जो योजना है उसके लिए पात्र रहेगी और उन्हें 5 साल के लिए जो साथियों प्रतिवर्ष है जो 10,000 रुपये इस योजना के अंदर मिलेंगे। तो हाल ही में किस राज्य में सुभद्रा योजना शुरू की गई, तो आंसर हो जाएगा ओडिशा के अंदर है, जो साथियों मुख्यमंत्री मोहन मांझी के द्वारा साथियों इस योजना की शुरुआत की गई है। और इसके अंदर 21 से 60 वर्ष की जो महिलाएं पात्र होगी उन्हें 5 सालों के लिए जो प्रति वर्ष है जो साथियों 10,000 रुपये इस योजना में दिए जाएंगे। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रहेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि किस बैंक ने महिलाओं के लिए अवनी बचत खाता शुरू किया, तो आंसर हो जाएगा बंधन बैंक। बंधन बैंक ने 22 अगस्त 2024 को महिला ग्राहकों के लिए एक विशेष बचत खाता अवनी को शुरू किया है। बैंक ने अपने 9वें स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर जो कि 23 अगस्त को थी साथियों 2 नए उत्पादों का शुभारंभ किया, अवनी और बंधन बैंक से डिलाइट नाम एक ग्राहक वफादारी उत्पाद। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, इसका उद्देश्य क्या है कि जो महिलाएं हैं उनको आगे लाना यानी उनकी बचत को है जो साथियों बढ़ाने के लिए साथियों बंधन बैंक के द्वारा है जो साथियों अवनी बचत खाता है जो शुरू किया गया है। 2 नए उत्पाद हैं जिसके अंदर अवनी और बंधन बैंक डिलाइट नाम एक ग्राहक वफादारी उत्पाद के रूप में दोनों को है जो साथियों शुरुआतें की गई है। तो किस बैंक ने महिलाओं के लिए अवनी बचत खाता शुरू किया, तो आप आंसर क्या हो जाएगा बंधन बैंक ने शुरू किया है, इंपॉर्टेंट ये रहने वाला है। अगला क्वेश्चन साथियों आपसे पूछा है कि अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में नेहा सागवान ने कौन सा पदक जीता, तो आंसर हो जाएगा साथियों स्वर्ण पदक जीता है। अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में नेहा सागवान ने कौन सा पदक जीता, तो आंसर हो जाएगा स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। 57 किलोग्राम भार वर्ग में नेहा सागवान ने स्वर्ण जीता है। इसके अलावा साथियों जिन्होंने और भी पदक जीते हैं उस पर भी अपने बात करेंगे। अदिति कुमारी ने साथियों महिला फ्री स्टाइल 43 किलोग्राम की जो कैटेगरी है उसके अंदर गोल्ड, नेहा सागवान जी का हमने पढ़ लिया 57 किलोग्राम की कैटेगरी के अंदर है स्वर्ण। पुलकित महिला फ्री स्टाइल 65 किलोग्राम की जो कैटेगरी है उसके अंदर है स्वर्ण जीता है। काजल महिला फ्री स्टाइल 69 किलोग्राम की जो कैटेगरी है उसके अंदर स्वर्ण जीता है। मानसी लाठेर है जो साथियों उन्होंने 73 किलोग्राम की जो कैटेगरी है उसके अंदर स्वर्ण जीता है। सुरितिका पाटिल ने साथियों 46 किलोग्राम की जो कैटेगरी है उसके अंदर रजत है। रौनक दहिया ग्रीक को रोमन 110 किग्रा के अंदर कांस्य है। साईनाथ पारदी ने साथियों ग्रीक रोमन 51 किलोग्राम के अंदर कांस्य है। बालाराज ने महिला फ्री स्टाइल 40 किलोग्राम के अंदर कांस्य है। मुस्कान ने महिला फ्री स्टाइल 53 किलोग्राम के अंदर कांस्य जीता है। ये सभी साथियों जो अभी भारतीय खिलाड़ियों ने कुश्ती के अंदर है जो मेडल जीते थे यानी पदक जीते थे वो मैंने आपको बता दिया। ज़्यादा से ज़्यादा साथियों जो स्वर्ण पदक जीते हैं वहीं से पर्सन बनता है। तो अदिति कुमारी, नेहा सागवान, पुलकित, काजल और मानसी इन्होंने है जो साथियों स्वर्ण जीता है, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार का क्वेश्चन साथियों कई बार है जो पूछे लिया जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि किस राज्य सरकार ने शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आरंभ कार्यक्रम शुरू किया है, तो पंजाब में। साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, आपसे पूछा है कि किस राज्य सरकार ने शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आरंभ कार्यक्रम शुरू किया है, पंजाब। पंजाब की सामाजिक सुरक्षा महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर ने आरंभ कार्यक्रम की शुरुआत की है जिसका उद्देश्य बचपन की शिक्षा को बढ़ावा देना। इस कार्यक्रम का शुभारंभ सामाजिक सुरक्षा महिला एवं बाल विकास विभाग की विशेष मुख्य सचिव श्रीमती राजीव पी श्रीवास्तव और निदेशक डॉक्टर सेना अग्रवाल की मौजूदगी में किया गया। साथियों आपको बताया कि पंजाब के अंदर आपको बताया साथियों कि थोड़ा शिक्षा का स्तर है जो वहां पर और बेहतर किया जाए, इसके लिए साथियों वहां की सरकार के द्वारा है जो आरंभ कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। और इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई है, पंजाब की सामाजिक सुरक्षा महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है, डॉक्टर बलजीत कौर के द्वारा साथियों इस अभियान की शुरुआत की गई है। तो इंपॉर्टेंट है आरंभ जो है साथियों कार्यक्रम का संबंध अगर आपसे पूछे तो शिक्षा का स्तर है उसको बढ़ाने के लिए पंजाब के सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन साथियों आपसे पूछा है कि साउथ
एशिया का सबसे ऊंचा स्काई डेक कहाँ बनेगा? तो बेंगलुरु में, बाहरी बेंगलुरु में नाइस रोड पर बनने वाला बेंगलुरु स्काई डेक दक्षिणी एशिया की सबसे ऊंची क्या होगी, संरचना होगी जिसकी ऊंचाई लगभग साथियों 250 मीटर होगी। मंत्री एच के पाटिल के नेतृत्व में कर्नाटक मंत्रिमंडल ने 500 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से एक नए स्काई डेक बनाने का फैसला किया है। यह परियोजना शहर के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने की एक व्यापक योजना का हिस्सा है। पाटिल ने कहा कि कर्नाटक मंत्रिमंडल ने 500 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से एक स्काई डेक बनाने का फैसला किया है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट साथियों, आज का ये क्वेश्चन रहेगा आपके लिए, सीधा का सीधा पूछा जाएगा कि साउथ एशिया का सबसे ऊंचा स्काई डेक कहाँ बनेगा, तो आंसर हो जाएगा बेंगलुरु के अंदर है जो साथियों बनाया जाएगा, और उसकी ऊंचाई आपसे पूछे तो वो 250 मीटर रहेगी, और इसका जो बजट है इसके ऊपर है वो साथियों क्या रहेगा, 500 करोड़ रुपए का रहने वाला है। तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है और सीधा का सीधा आपसे ये क्वेश्चन है पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के पूर्व महानिदेशक जिनका हाल ही के अंदर है निधन हो गया, ये क्वेश्चन भी साथियों इंपॉर्टेंट है रहेगा। आपसे पूछा गया है कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के पूर्व महानिदेशक हैं जिनका हाल ही के अंदर निधन हो गया, गिरीश साहनी। कौन है? गिरीश साहनी। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के पूर्व महानिदेशक गिरीश साहनी का 68 साल की उम्र में है जो साथियों क्या हो गया है, निधन हो गया है। साहनी को हृदय रोगों के इलाज के लिए क्लॉट बस्टर विकसित करने के लिए जाना जाता है। तो इस प्रकार का जो क्वेश्चन होता है वो पूछ लिया जाता है। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के पूर्व महानिदेशक जिनका हाल ही के अंदर निधन हो गया वो कौन थे? तो आपका आंसर हो जाएगा गिरीश साहनी थे। इंपॉर्टेंट रहेगा और आपसे पूछा जा सकता है साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि देश में, आपसे पूछा गया है देश में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट मामले को संभालने के लिए पहला डिजिटल कोर्ट है कहां पर प्रारंभ हुआ है? तो आंसर हो जाएगा साथियों केरल के अंदर। कहां पर हुआ है? तो आपका आंसर हो जाएगा साथियों केरल के अंदर है जो हुआ है। केरल के कोल्लम में खुले देश के पहले डिजिटल अदालत में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट मामले की सुनवाई होगी। अदालत का उद्घाटन सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस बी आर गवई ने किया था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि देश में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट मामले को संभालने के लिए पहला डिजिटल कोर्ट कहाँ पर शुरू हुआ है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा साथियों? केरल के अंदर है जो इसकी शुरुआतें की गई है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आपसे पूछा जा सकता है। उसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? सुप्रीम कोर्ट जस्टिस बी आर गवई ने है जो साथियों उसका उद्घाटन किया है। आगे बढ़ेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हीरा कहाँ खोजा गया है? ये क्वेश्चन साथियों इंपॉर्टेंट है रहेगा। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हीरा कहाँ खोजा गया है? तो आंसर हो जाएगा बोत्सवाना में। कहाँ पर खोजा गया है साथियों? बोत्सवाना के अंदर है जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हीरा खोजा गया है। बोत्सवाना में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हीरा मिला है। यह 24.92 कैरेट का हीरा है। इसे कनाडा की खनन कंपनी लुकारा डायमंड ने खोजा है। तो ये भी आपको याद रखना है कि इसकी जो खोज है वो किसने की है? तो कनाडा की एक कंपनी है साथियों लुकारा डायमंड, उसके द्वारा ये खोजे की गई है। और इसका जो वजन है वो 2492 कैरेट का हीरा है। तो इम्पोर्टेंट आपके लिए रहेगा कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हीरा कहाँ खोजा गया है? तो बोत्सवाना में खोजा गया है। और ये जो कंपनी है साथियों वो लुकारा डायमंड है। कौन सी है? कनाडा की ये कंपनी है साथियों लुकारा डायमंड, उसके द्वारा ये खोजा गया है। तो अपने आप में इम्पोर्टेंट रहेगा कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हीरा कहाँ पर, तो बोत्सवाना के अंदर खोजा गया है। आगे बात करेंगे साथियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में नीरज चोपड़ा ने लोसाने डायमंड लीग में कौन सा पदक जीता है? तो आंसर हो जाएगा रजत पदक जीता है। नीरज चोपड़ा ने 89.49 मीटर भाला फेंक कर रजत पदक अपने नाम किया। तो हाल ही में नीरज चोपड़ा ने लोसाने डायमंड लीग में कौन सा पदक जीता? तो आंसर हो जाएगा रजत पदक इन्होंने अपने नाम किया है। चोपड़ा ने 89.49 मीटर भाला फेंक कर रजत पदक अपने नाम किया है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। और अगर आपसे पूछे भी पेरिस ओलंपिक 2024 के अंदर नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता था, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? नीरज चोपड़ा ने वहां पर भी है जो साथियों क्या जीता था, रजत पदक अपने नाम किया था। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा कि लोसाने डायमंड लीग के अंदर है जो साथियों किसने रजत पदक जीता, तो नीरज चोपड़ा जी के द्वारा जीता गया है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में भारत सरकार ने किसे विषम क्यूबस मोबाइल अस्पताल उपहार में दिए हैं?
तो यूक्रेन को। साथियों हाल ही के अंदर पीएम मोदी यूक्रेन व पोलैंड के दौरे पर हैं। साथियों वहां पर यूक्रेन की यात्रा के दौरान आदरणीय पीएम मोदी जी के द्वारा साथियों यूक्रेन सरकार को चार विषम सहयोग हित और मैत्री के लिए भारत स्वास्थ्य पहल क्यूबस की सौगात दी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति महामहिम श्री वोलोमिदिर जेलेंस्की ने मानवीय सहायता के लिए प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद किया। विषम क्यूबस से घायलों को शीघ्र उपचार में काफ़ी मददें मिलेगी और इसके साथ ही साथियों अनमोल जीवन बचाने में काफ़ी योगदान रहेगा। आपको पता है साथियों कि रूस और यूक्रेन का जो युद्ध है वो काफ़ी लंबे समय से चल रहा है, जिसके बाद साथियों पहली बार है जो अपने देश के जो पीएम है साथियों नरेंद्र मोदी जी वो यूक्रेन की यात्रा पर गए हुए हैं। उन्होंने वहाँ पर है जो साथियों जो अपने विषम प्रोजेक्ट के तहत जो विषम क्यूबस मोबाइल अस्पताल है उसका है क्या साथियों कि अगर किसी भी स्थान पर सेना या नहीं पहुंच पाती है तो साथियों उसको आसमान से है जो इस अस्पताल को वहां पर जो भी घायल हैं उनको इसके अंदर है जो सुविधा दी जाती है। तो इसको साथियों भारत सरकार की जो चार चार विषम क्यूबस मोबाइल हैं उनको साथियों है जो यूक्रेन को सौंपा है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आपसे कन्फर्म है कि ये आपसे आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में सीधा का सीधा पूछा जाएगा। यह सेशन साथियों इस सेशन के अंदर जितने महत्वपूर्ण प्रश्न थे आज वो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। मेरा प्रयास रहा है कि कम समय में आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाए जिससे आपका समय बचे और करंट अफेयर्स आपका मजबूत होता रहे। साथियों इन्फ्यूजन नोट्स के ऐप को जरूर इंस्टॉल कीजिए। ऐप के अंदर आपको डेली करंट अफेयर्स की क्यूज मिलती है। इसके अलावा जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं साथियों जैसे क्यूज हो गए इंडिया जीके की होगी वो भी मिलती है। इसके अलावा जितने भी इन्फ्यूजन नोट्स के हैंड रिटन नोट्स हैं उन सभी की सुविधा साथियों इन्फ्यूजन नोट्स के ऐप के अंदर आपको ई नोट्स के अंदर दी जा रही है। तो ऐप के अंदर जुड़िए और काफ़ी कम जो अपने किफ़ायती रेट मान लिए वो आपको वहाँ पर है जो ई नोट्स की सुविधा है जो इन्फ्यूजन नोट्स की टीम दे रही है। बाकी आप इन्फ्यूजन नोट्स के व्हाट्सएप टेलीग्राम पर जुड़िए। इसके अलावा इन्फ्यूजन नोट्स के इंस्टाग्राम को जरूर फॉलो कीजिए। वहाँ पर आपको डेली साथियों वन लाइनर के रूप में है जो इंडिया करंट अफेयर्स और राजस्थान करंट अफेयर्स मिलता है। इसके अलावा जो प्रतियोगिता परीक्षाएं होती हैं उनसे संबंधित अगर कोई भी महत्वपूर्ण जो जानकारी होती है वो भी वहां पर साथियों इंस्टाग्राम पर टेलीग्राम पर है जो टीम के द्वारा शेयर कर दी जाती है। और पीडीएफ आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप और ऐप के अंदर है जो साथियों निःशुल्क मिल रही है। और ऐप के अंदर साथियों आपको डेली यूपी बिहार हरियाणा एमपी का है जो करंट अफेयर्स है जो वो पीडीएफ के रूप में फ्री है जो इन्फ्यूजन नोट्स की टीम के द्वारा आपको दिया जा रहा है। यह प्रयास अगर आपको पसंद आ रहा है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए साथियों जुड़े रहिए इन्फ्यूजन नोट्स से और यह प्रयास है कि आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट मिलता रहे। तो इस सेशन को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।